फर्स्ट केस हमारा इसमें ये था रिटेन टिल मेच्योरिटी, और दूसरा जो हमने केस इसमें पढ़ा है वो पढ़ा है क्या, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बैंक। हमने क्या किया था, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। जब हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था तो उस केस में बिल बैंक के पास चला जाता है। और एक इसमें रूल है क्या कि जिसके पास बिल होता है पेमेंट उसी को ही मिलती है। फर्स्ट केस में बिल हमारे अपने पास था, सेकंड केस में बिल बैंक के पास चला गया। अब हमारा यहाँ पर थर्ड केस आता है आज, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट का क्या मीनिंग होता है, एंडोर्समेंट वैसे ना कैश बुक वाला जो चैप्टर था वहां पर इस बार ही मैं देख रही हूँ कि उसमें कुछ ट्रांजेक्शन कवर नहीं की है। अदरवाइज ये एंडोर्समेंट ऑफ बिल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमारा वहां पर भी डिस्कस हो जाता था कैश बुक में, कि जब कोई किसी को एंडोर्स कर देता है तो क्या जर्नल एंट्री होगी। कुछ इसमें जर्नल एंट्रीज इस तरीके से भी है कि ये कुछ कुछ एंट्रीज हमारी पीछे डिस्कस हो चुकी है, बट एंडोर्समेंट कभी नहीं पढ़ा हमने इस बार। एंडोर्समेंट का मतलब देखो क्या होता है, ए और बी दो पार्टी थी, इनके बीच में ट्रांजेक्शन हुई, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया और बी ने वो बिल एक्सेप्ट करके ए को वापस दे दिया। ठीक है, अब ये मान लेते हैं ए ने सी के साथ भी कोई ट्रांजेक्शन की थी, कोई बंदा था सी, ए की सी के साथ कुछ ट्रांजेक्शन हुई है, मतलब ए ने बी को तो सेल किया है, ठीक है, और ए ने सी से मान लेते हैं परचेज किया होगा, हो सकता है ए ने सी से क्या किया है, परचेज किया है। तो देखो जब परचेज करते हैं तो ए को सी को पेमेंट करना था, तो ए ने क्या काम किया, जो बी से उसको बिल मिला था वही बिल उसने सी को दे दिया। उसने क्या किया, मान लेते हैं ये बिल हमारा 10,000 का था और इसकी मेच्योरिटी हमने ड्रॉ किया था 1 जनवरी 2021 को, और मेच्योरिटी डेट है इसकी आफ्टर 3 मंथ्स। क्या है मेच्योरिटी डेट, आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स अगर मैं काउंट करती हूँ तो डेट हमारी आएगी 4 अप्रैल 2021। ठीक है, तो 4 अप्रैल 2021 को ए ने क्या काम किया, 1 जनवरी को जब इसने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, ये बिल इसको वापस मिल गया, तो ए ने यही बीआर किसको ट्रांसफर कर दिया, सी को ट्रांसफर कर दिया। अब देखो बिल किसके पास आ चुका है, सी के पास आ गया। अब बी क्या करेगा, बी को तो पेमेंट करना है, तो बिल में लिखा हुआ होता है ये चीज कि तुम हमें या हमारे ऑर्डर पर किसी और को पेमेंट करोगे। तो अब बिल किसके पास है, इस बार सी के पास है, तो बी क्या करेगा, जब मेच्योरिटी डेट आएगी 4 जनवरी को, 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को बी सी को पेमेंट कर देगा। किसको पेमेंट कर देगा, सी को पेमेंट कर देगा। ये जो इसने बिल इसको ट्रांसफर किया है ए ने सी को, इसी को ही हम बोलते हैं एंडोर्स करना। क्या बोलते हैं इसको, एंडोर्स करना। तो एंडोर्समेंट ऑफ बिल का क्या कंसेप्ट होता है कि ए ये बिल सी को, मतलब ए अगर ए को सी को पेमेंट करनी थी, मान लेते हैं इसको 10,000 ही करनी थी, तो ए ने क्या बोला, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ये बिल दे देता हूँ, जो मुझे पेमेंट बी से मिलने वाली थी वो बी ये पेमेंट तुम्हें कर देगा। मतलब आफ्टर 3 मंथ्स ये पेमेंट बिल कि जो है वो बी जो है वो सी को कर देगा। ठीक है, तो ए ने इससे क्या बात बोल दी कि ये पेमेंट तुम बी से ले लेना, मुझे बी से पैसे मिलेंगे, वो पैसे मैं तुम्हें आफ्टर 3 मंथ्स दूंगा, इससे अच्छा है कि तुम बिल ले लो और ये पेमेंट तुम्हें बी से डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, तो उसने उसको पेमेंट ना करके अपना बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर दिया, इसी को ही हम बोलते हैं एंडोर्समेंट का कंसेप्ट, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, अब देखो इस केस में एंट्रीज कैसे होती है। अब इस बार देखो तीनों की बुक्स में एंट्री होंगी, ए बी एंड सी। ठीक है, हम तीनों की बुक्स में एंट्री करेंगे, ए बी और सी, तीनों का लिख लेते हैं यहां पर। अब देखो ए की बुक्स में मैं वो फर्स्ट वाली सेल परचेज की एंट्री नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट हम बिल की एंट्री कर रहे हैं, बिल ड्रॉ कर। तो देखो 1 जनवरी 2021 को ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हम ए की बुक्स में क्या एंट्री पास करते हैं, बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपीज,
और बी की बुक्स में क्या एंट्री हो जाती है? ए इज अकाउंट डेबिट, ए को डेबिट कर देता था ये टू क्या बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है ये बी की बुक्स में एंट्री हो गई। अभी तो सी का फर्स्ट जनवरी को कहीं से कहीं तक कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पर तो ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, बी ने इसको एक्सेप्ट किया, तो सी की बुक्स में फर्स्ट जनवरी को नो एंट्री अभी, क्योंकि सी का कहीं से कहीं तक कोई नाम ही नहीं है, ठीक है इस डेट को ये वाली इसकी नो एंट्री। अब हो सकता है सेम डेट पर या फिर किसी और डेट पर, कोई भी हम डेट इसमें अज्यूम कर सकते हैं, मान लेते हैं 10 जनवरी ले लेते हैं, थोड़ा अलग ले लेते हैं डेट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है सेम डेट को भी दे सकता है या किसी और डेट को भी दे सकता है, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। मान लेते हैं 10 जनवरी को अब ये बिल ए ने किसको दे दिया, सी को एंडोर्स कर दिया, तो ए की बुक्स में देखो क्या एंट्री होगी, जब ए सी को एंडोर्स करेगा तो एक बात बताओ सी ए के लिए तो क्रेडिटर हुआ ना भाई, ए को सी को पेमेंट करना था, उसने क्या किया पेमेंट ना करके उसको बिल दे दिया, अगर ए सी को पेमेंट करता तो क्या एंट्री पास करता, अगर ए सी को 10,000 रुपीज की पेमेंट करता तो क्या एंट्री पास करता, अपनी बुक्स में बोलो सीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसकी बुक्स में एंट्री होती है सीज अकाउंट डेबिट, यहाँ पर ये करता टू कैश, लेकिन इसने इसको इस बार कैश नहीं दिया, ये जो इसके पास बिल था ये बिल ट्रांसफर कर दिया, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे टू बी आर अकाउंट, क्योंकि ये ही बिल इसके पास से चला गया, जब ए के पास बिल आया तो बी आर अकाउंट डेबिट हुआ, अब ये बिल इसने एंडोर्स कर दिया तो ये बी आर अकाउंट क्या कर देगा क्रेडिट कर देगा, क्योंकि अब ये इसका एसेट तो रहा नहीं है, ये तो इसने ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री पास हो गई क्या सीज अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, क्योंकि सी इसके लिए क्रेडिटर होगा, सी इसकी बुक्स में कभी क्रेडिट हुआ होगा जब इसने कभी इससे परचेज किया होगा, तो सी इसकी बुक्स में क्रेडिट होगा उस टाइम पर, जब ये इसको बिल दे देगा तो सी इसकी बुक्स में डेबिट हो जाएगा और बी आर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये 10 जनवरी वाली ट्रांजेक्शन से बी को कोई मतलब है, तुम किसी को भी बिल दे रहे हो, तुम बैंक से डिस्काउंट कराओ, तुम किसी और को ट्रांसफर करो, इस ट्रांजेक्शन से बी को कोई मतलब नहीं है, तो बी की बुक्स में नो एंट्री, क्योंकि बी को तो बस अब पेमेंट करना है अपना टाइम आने पर, तो इसलिए यहाँ पर बी की बुक्स में नो एंट्री। लेकिन 10 जनवरी 2021 को सी इस बिल को रिसीव करेगा तो सी की बुक्स में क्या हो जाएगा बी आर अकाउंट डेबिट, इसकी बुक्स में बी आर डेबिट हो जाएगा, और ए इसकी बुक्स में क्या हो जाएगा ए को क्या कर देगा ये क्रेडिट कर देगा, मतलब जो एंट्री हम ये यहाँ पर ए की बुक्स में कर देते हैं और बी, अब सी के लिए वही चीज हो गई ना, बी आर अकाउंट डेबिट कर लेगा क्योंकि इसने बिल रिसीव किया, और ए इसका डेटर होगा क्योंकि सी ने ए को सेल किया था, तो ए इसकी बुक्स में अब क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपीज से, तो ये हो गई हमारी सी की बुक्स में एंट्री। कोई डाउट इसमें, बहुत सिंपल है ये, अगर इनको कंसेप्चुअली समझते चलो, बस चेन बनती चली जाती है, ठीक है लर्न नहीं हो सकती, बस हमें समझनी है, मतलब तुम एंट्रीज अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तुम खुद भी कर लोगे इन एंट्रीज को फर्स्ट टाइम में भी। अब देखो मैच्योरिटी डेट आई 4th April 2021, ठीक है मैच्योरिटी डेट पर क्या होगा बी सी को पेमेंट करेगा क्योंकि बिल इस टाइम किसके पास है सी के पास है, ये इंफॉर्मेशन ना चली जाती है, मतलब ए जो है वो बी को इन्फॉर्म कर देता है, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, ठीक है तो बी को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि बिल जो है वो सी के पास है, तो बी को तो पेमेंट करने से मतलब है, अब देखो सी बी सी को पेमेंट करेगा तो ए को तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो ए की बुक्स में क्या हो जाएगा नो एंट्री, बी की बुक्स में क्या होगा बी तो पेमेंट की एंट्री बी की बुक्स में तो सेम रहती है, ठीक है तो बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये जो बिल्स पेबल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट था ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि इसने अपनी लाइबिलिटी पे कर दी टू कैश या फिर बैंक, जैसे भी उसने पेमेंट किया होगा कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है नॉर्मली छोटी अमाउंट होती है तो कैश में हो जाती है, इसकी बुक्स में क्या हो जाएगी 4th April को ये बिल की पेमेंट रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी, इसके पास कैश आ जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट
ये बीआर जो डेबिट था इसका, ये बीआर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है एंडोर्समेंट का। एंडोर्समेंट का कंसेप्ट और भी सिंपल है, बस एक बार एंडोर्स करने की एंट्री पास करनी है और लास्ट में वही पेमेंट करने की और रिसीव करने की एंट्री पास करनी है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो मैम। तो इसको नोट कर रहे हो तुम या क्वेश्चंस करने हैं सीधा? मैम कर लिया नोट। ओके अच्छा, मानसी मुझे ना एक बार, मेरे पास बस फर्स्ट पेज की पिक है तो तुम मुझे एक या दो पेज की और शेयर कर दो, बाकी ना मुझे चैप्टर आज क्लास के बाद कर देना पूरा बाकी बचा हुआ। वैसे तो 3-4 पेज ही होंगे, इसमें ज्यादा नहीं होंगे, तो ऐसे ही डायरेक्टली पिक क्लिक करके ना ऐसे ही शेयर कर दो, उसको पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं है, एक पेज तो है मेरे पास। ठीक है, अभी एक फिलहाल के लिए एक पेज कर दो। अभी देखो इसमें ना टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बिल्कुल सिंपल है, तो 7 तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि मैंने एग्जांपल समझाया है, तो हम कुछ आगे का कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जीएसटी वाला कर लेते हैं, काम करते हैं जीएसटी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बाकी 7 और 8 तो नॉर्मल होंगे, तो जीएसटी का क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो क्या लिखा है। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹20,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच ऑन क्रेडिट ऑफ 3 months। ठीक है, 3 months का क्रेडिट था और इसमें जीएसटी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बी पेड ए ₹3,600 बाय चेक, उसने कुछ पेमेंट तो चेक से कर दिया, एंड एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट फॉर द लेटर फॉर द बैलेंस अमाउंट। द ड्राफ्ट, अब इसमें ड्राफ्ट जो है ना वो इस बिल की ही बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हेलो सानवी। हेलो मैम। अभी अभी ज्वाइन किया है। हाँ मैम। चलो मैं यहाँ पर ना एंडोर्समेंट ऑफ बिल का कंसेप्ट डिस्कस कर रही थी, तो वैसे मैंने एक एग्जांपल से वो कंसेप्ट तो अभी डिस्कस कर लिया है, बट हम उसके पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो तुम्हें इस क्वेश्चन की हेल्प से भी आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अदरवाइज कोई डाउट रहता है तो तुम ये क्लास फिर वैसे देख लेना, ठीक है, वैसे हो जाएगा इस क्वेश्चन की हेल्प से भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 3600 उसने उसको चेक से पेमेंट कर दिया और बाकी का ड्राफ्ट बन गया। यहाँ पर ड्राफ्ट जो मतलब है ना वो बिल के लिए ही बोला जा रहा है कि बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया है उसके लिए। द ड्राफ्ट वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी Who got the payment on maturity? तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, A, B और C 3 parties हैं, तो A और B के बीच में पहले transaction हुई है, फिर A ने क्या किया, जो इसने इसको बिल दिया था, जो draft इसने इसको accept करके वापस किया है, A ने उस बिल को endorse कर दिया है टू C। A ने वो बिल किसको दे दिया, endorsement कर दिया है किसको, C को कर दिया है। तो ए सी को ये बिल दे देगा तो फिर क्या होगा, बी एट लास्ट सी को पेमेंट करेगा। बी किसको पेमेंट करेगा, सी को पेमेंट करेगा। तो एंडोर्समेंट का कंसेप्ट हमारा वही सिंपल होता है, जो बिल ए के पास होता है, सेकंड केस में जैसे वो डिस्काउंट करा लेता था ना बैंक से, डिस्काउंट करा के तो ए को पेमेंट मिल जाता था तभी बैंक से, फिर बी क्या करते था, बी बैंक को पेमेंट कर देता था। लेकिन एंडोर्समेंट में क्या होता है, ए अपने बिहाफ पर, जो ए को खुद को किसी और को पेमेंट करनी होती है ना, तो वो पेमेंट ना करके वो क्या काम करता है, वो बिल एंडोर्स कर देता है, तो फिर जो दूसरी पार्टी होती है बी, वो उस बंदे को पेमेंट कर देता है एट लास्ट। तो यहाँ पर वही हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं, ए बी और सी तीनों की बुक्स में एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तीनों का मैं पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, तो अच्छे से क्लियर होगा।
तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर सेल परचेज की बात हो रखी है, तो हमें सेल परचेज की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। तो ए ने बी को गुड्स सेल किए थे 20,000 प्लस जीएसटी। डेट क्या थी यहाँ पर हमारी, यहाँ पर डेट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम 1, 2, 3 करके सीक्वेंस ऐसे ही मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बताओ, फर्स्ट एंट्री क्या होगी दोनों की बुक्स में? सी की बुक्स में तो मैं पहले ही लिख देती हूँ नो एंट्री, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन ए और बी की बुक्स में हुई है, तो सी को अभी इससे कोई मतलब नहीं है। सी को तो जब रोल आएगा जब ए सी को वो बिल एंडोर्स करेगा, ठीक है। तो अभी ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी दोनों की बुक में? ए की बुक्स में बताओ सेल की एंट्री क्या होगी, 20,000 प्लस जीएसटी है, तो इसलिए ध्यान से थोड़ा सा। बोलो ए की बुक्स में जर्नल एंट्री सेल की, और उसमें लिखा हुआ भी है कि बी ने 3600 चेक से दे दिया है और बाकी का उसने ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो हम अलग से कर लेंगे। अभी फिलहाल मानो कि सारा क्रेडिट सेल, मतलब बी को डेबिट कर दो अभी पूरी अमाउंट से, बीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स में 20,000 चला जाएगा, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। कर लो भैया, खटखट तो नहीं होगी, ठीक है। 20,000 का 9% कितना हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा, और ये भी हमारा 1800 हो जाएगा। तो तीनों का अगर मैं टोटल करती हूँ तो कितना बन जाएगा ये 20 प्लस 18 प्लस ये, तो तुम करोगे इसको, तो आ जाएगा ये 23,600, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल की एंट्री हो गई। बी की बुक्स में परचेज की एंट्री कर लेते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, टू क्या करेगा ये, इसकी बुक्स में इनपुट डेबिट होगा ना, इनपुट सीजीएसटी, ध्यान है ये परचेज सेल की एंट्री जीएसटी वाली, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट 23,600, और ये हो जाएगा 20, ये 1800 और ये 1800। तो ये जीएसटी वाला क्वेश्चन था, थोड़ी यहाँ से तुम्हारी जीएसटी की एंट्रीज भी रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल परचेज की एंट्री, ये तो हम पुराना ही कर रहे हैं जो हमने अभी तक किया हुआ अभी था। अब क्या होगा, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, उसमें लिखा हुआ है कि बी ने 3600 तो पे कर दिया है और बाकी के लिए उसने वो ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया था, तो देखो यानी कि बाकी कितना बचेगा, टोटल 23,600 था, तो वो बोल रहे हैं 3600 उसने चेक से पे कर दिया है, तो ए की बुक्स में बताओ क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको मिल गया पैसा, कितना पैसा मिल गया, जितना पैसा उसको मिल गया उतने से तो बैंक डेबिट हो जाएगा 3600 से, और जो उसने बिल एक्सेप्ट किया है उसके लिए बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से, ठीक है। मतलब उसने जो ऊपर का 20 से ऊपर जो पेमेंट था वो कर दिया और बाकी के लिए बिल एक्सेप्ट कर दिया टू बीज अकाउंट 23,600। कोई डाउट इस एंट्री में, यहां पर क्या होगा, एज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना उसने पेमेंट कर दिया वो बैंक से चला जाएगा और जो उसने बिल एक्सेप्ट किया है उसके लिए बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां तक मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, इतना काम हम पहले भी करके आ चुके हैं। अगर यहां तक की एंट्री में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, इसको तो अभी इससे कोई मतलब ही नहीं है, इनके बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुई है ए और बी के बीच में, अभी सी को कोई मतलब नहीं है, तो सी की बुक्स में तो नो एंट्री चल रही है, ठीक है। नो एंट्री ये लिखने की भी वैसे यहाँ पर नीड नहीं है, बट मैं क्लियर करने के लिए इसको पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ, तुम्हारा तो ऊपर नीचे आएगा ना ये। यहां तक कोई डाउट? अब देखो क्या हुआ है, ए ने सी को बिल एंडोर्स कर दिया है,
ए ने क्या किया, सी को बिल एंडोर्स कर दिया है। तो जब ए सी को बिल एंडोर्स करेगा तो क्या एंट्री होगी, सानवी देखो यहीं पर ही, बस यही कंसेप्ट है जो नया मैंने अभी तक डिस्कस किया था। ए ने सी को बिल एंडोर्स कर दिया है क्योंकि ए और सी के बीच में हो सकता है पहले कभी ट्रांजेक्शन हुई होगी, तो ए सी को पेमेंट करता तो उसने क्या काम किया, पेमेंट ना करके उसने वो बिल एंडोर्स कर दिया सी को कि तुम ये पैसे बी से ले लेना। ठीक है, तो ए की बुक्स में देखो क्या एंट्री होगी, ये जो बी आर अकाउंट इसकी बुक्स में डेबिट था, ये बी आर अकाउंट क्या हो जाएगा, बी आर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसके पास से बिल चला गया। ठीक है, और सी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर ये सी को पेमेंट करता तो क्या एंट्री पास करता, सी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पर इसने कैश ना देकर ये जो इसके पास बिल था इसने ये दे दिया। ठीक है, तो इसकी बुक्स में एंट्री हो जाएगी सीज अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। क्लियर है, बस ये एंट्री यहां पर नहीं है ए और सी की बुक्स में जो हमें सीखनी है। बी को इस बात से कोई मतलब है अगर ए ने सी को कुछ एंडोर्स किया है, बी को कोई मतलब नहीं है तो बी की बुक्स में नो एंट्री। यहां पर क्या होगा, देखो सी इस बिल को रिसीव कर रहा है तो यहां पर सी की बुक्स में बी आर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू ए को क्या कर देगा, ये क्रेडिट कर देगा क्योंकि ए इसकी बुक्स में कब डेबिट होगा, जब इसके बीच में ट्रांजेक्शन हुई होगी, तो ये इसको क्या कर देगा, यहाँ पर क्रेडिट कर देगा। इसको हम बोलते हैं बी, यहाँ पर मैं नरेशन लिख सकती हूँ, बी विल एंडोर्स टू सी। ठीक है, इसने क्या किया है, बिल एंडोर्स कर दिया सी को। अब आएगी मैच्योरिटी डेट। ठीक है, मैच्योरिटी डेट पर देखो क्या होगा, फोर्थ एंट्री मैच्योरिटी की। जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो बी इस बार किसको पेमेंट करेगा, सी को पेमेंट करेगा। जिसके पास बिल होता है पेमेंट उसी को मिलता है, तो इस टाइम पर बिल सी के पास है तो पेमेंट अब किसको मिलेगी, सी को मिलेगी। तो जब बी सी को पेमेंट करेगा तो ए को कोई मतलब नहीं है, ए के लिए नो एंट्री हो जाएगी। ठीक है, बी की बुक्स में तो हमेशा एंट्री सेम ही रहनी है, क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। जो ये बिल्स पेबल इसकी बुक्स में क्रेडिट था, ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश या फिर बैंक, जैसे भी इसने पेमेंट किया होगा। मैं यहाँ पर बैंक यूज कर लेती हूँ क्योंकि इसने पहले भी 3600 कैश में ना देकर बैंक से ही दिए थे ना, तो मैं मानकर चल लेती हूँ इसने इस बार भी बैंक से पेमेंट किया होगा। ठीक है, 20,000 सी की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, ये पेमेंट रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ये जो बी आर अकाउंट डेबिट था, यहाँ पर ये बी आर अकाउंट क्या हो जाएगा, उस दिन क्रेडिट हो जाएगा। इस ये होता है हमारा एंडोर्समेंट का कंसेप्ट। तो देखो ये क्या हम कर रहे हैं, एंट्रीज कि ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, फिर उसने वो ए ने ये बिल एंडोर्स कर दिया सी को, फिर एट लास्ट बी ने सी को पेमेंट कर दिया। तो ये थी हमारी एंडोर्समेंट की एंट्रीज। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो आई थिंक सिंपल ही होगा, तो उसको तुम लोग ट्राई करना खुद से, इसलिए मैंने पहले ये जीएसटी वाला क्वेश्चन करा दिया है, इसमें भी हमारा कंसेप्ट कवर हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तुम्हारा होमवर्क है, उसको ट्राई करना खुद से। कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे बता दो। ठीक है, क्योंकि जो अभी हम ये केसेस पढ़ रहे हैं ना, अभी हमने टोटल 3 केसेस पढ़े हैं, बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक क्या होगा, बिल हमारे पास ही है। सेकंड केस था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, हमने सेकंड केस में बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया था। थर्ड केस में हमने बिल को एंडोर्स कर दिया है। तो अभी तक हमने 3 केसेस पढ़े हैं, और अभी जो ये केसेस चल रहे हैं, ये चल रहे हैं ओनर ऑफ बिल, मतलब बी टाइम आने पर पेमेंट कर रहा है। ठीक है, अभी बिल ऑनर किया जा रहा है। अभी ये हम टोटल इसमें 4 केस पढ़ेंगे, अभी एक केस और रहता है जो मैं अभी डिस्कस करूंगी। ये 4 केसेस ओनर के केस के हैं, और फिर यही 4 केसेस हम डिसऑनर वाले केस में पढ़ेंगे, मतलब टोटल 8 बन जाते हैं। क्लियर है, तो वही 4 केस हमारे रिपीट होंगे, यही वाले 4 केस, कंसेप्ट सेम रहेगा, बस लास्ट में ये जो मैच्योरिटी वाली एंट्री है ये यहाँ आकर हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, बी पेमेंट करने के लिए मना कर देगा, टाइम आने पर वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, डिसऑनर हो जाएगा हमारा,
तो यही चार केसेस हमें फिर डिसऑनर में पढ़ने, ठीक है। तो वहां पर भी ये रिवाइज होंगे फिर से, ये एंट्रीज तो हमें करनी करनी है, यहाँ तक कि मतलब ये जो स्टार्टिंग की 3 एंट्रीज है ये तो होंगी ही होंगी, ये पेमेंट आने पर एंट्री चेंज हो जाएगी जब बिल डिसऑनर हो। तो ये कंसेप्ट था हमारा एंडोर्समेंट का, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मम्मी ये गेट बंद कर रहे हैं, हाँ। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। चार केसेस हैं टोटल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। अब देखो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर क्या है ए और बी तो हमारी हर एक केस में है ही, एटलीस्ट दो बंदे होने तो जरूरी है कोई भी ट्रांजेक्शन होने के लिए। ए ने बी को गुड्स सेल किए थे, बी ने फिर बिल उसने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, फिर उसने क्या किया वो बिल एक्सेप्ट करके बी ए को वापस दे, ठीक है, सेल किया और बिल ड्रॉ किया, फिर क्या किया बी ने ये बिल ए को वापस कर दिया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन में क्या होता है, इसके देखो नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है हमने कहीं बिल सेंट किए हैं कलेक्शन करने के लिए, कि तुम हमारे बिहाफ पर हमारे बिल की कलेक्शन कर लो। मतलब होता क्या है, एक हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे डेटर हैं जिनके ऊपर उसने बिल ड्रॉ किया होगा, जैसे इसने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है ना, हो सकता है इसके थाउजेंड्स में या लैक्स में इतने डेटर होते होंगे कि जिनसे ये बिल की पेमेंट रिसीव करता है, मतलब बिल ड्रॉ करता है और बिल लास्ट में फिर मैच्योरिटी आने पर वो पेमेंट लेता है। तो कई बार क्या होता है जब ये ट्रांजेक्शन ऐसी बहुत ज्यादा होती है ना, ऐसे ऐसे इनके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो ए क्या काम करता है बैंक को, अपने बैंक से कांटेक्ट करता है और ए बैंक से बोलता है कि तुम हमारे बिहाफ पर ये जो बिल हमने, जो ये हमारे बिल हैं बी आर हैं, हमारे बिहाफ पर इनसे तुम कलेक्शन कर लो, क्या कर लो हमारे बिहाफ पर ये कलेक्शन इनसे तुम कर लो। मतलब कुछ नहीं किया इसने, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के ऊपर डाल दी कि जब पेमेंट का टाइम आएगा तो मैं नहीं देखूंगा कि मुझे किससे पेमेंट लेना है किससे नहीं लेना है, मैं तो जैसे ही मेरे पास बीआर आएगा मैं तुम्हें एंडोर्स कर दूंगा इसको, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। मतलब ए बैंक के पास कलेक्शन करने के लिए भेज देता है। अब मैच्योरिटी डेट कभी किसी की आती होगी कभी किसी की आती होगी, तो ए इस चीज का ध्यान नहीं रखेगा, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, बैंक की हो गई, टाइम आने पर कलेक्शन तुम कर लेना। तो बैंक क्या करता है यहाँ पर, इसने ए ने बिल एंडोर्स नहीं किया, ए ने बिल डिस्काउंट नहीं कराया, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ए ने बैंक से बिल डिस्काउंट नहीं कराया, ए ने कलेक्शन के लिए भेजे। मतलब मान लेते हैं मेरे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं और मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर डाल दी, मैंने तुम में से किसी एक बंदे को बोल दिया कि जब टाइम आएगा मैच्योरिटी डेट आएगी तो तुम मेरे बिहाफ पर कलेक्शन कर लेना और फिर वो पैसे मुझे दे देना। उस चीज के लिए बैंक क्या करता है, अलग से कमीशन चार्ज करता है। तो तुम्हारे सिलेबस में ना बैंक क्या चार्ज कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसकी कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। बस सिंपल ट्रांजेक्शन है कि ए ने बैंक को बिल दे दिए कलेक्शन के लिए और टाइम आने पर बैंक ने कलेक्शन कर दिया, ठीक है। तो बैंक क्या काम करता है, जो ये पैसे आते हैं ना बी के पास से, ये सारे ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, मतलब डायरेक्टली ए के अकाउंट में वो पैसे आ जाते हैं। तो होना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल केस है, बस हमारी बीच में एक एंट्री चेंज हो जाएगी ए और बी के केस में। देखो यहाँ पर क्या होगा, अभी समझाती हूँ, सिंपल सा है ये वाला केस बिल्कुल, बस इसको डिस्काउंटिंग से मिक्स मत करना। डिस्काउंटिंग में तो क्या होता है, ए बैंक के पास जाता है और उससे उसी दिन पैसे ले लेता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से उसने क्या किया, अपना बिल दे दिया और बैंक से पैसे ले लिए। अब बैंक कब उससे पेमेंट रिसीव कर रहा है वो फिर ए का कोई उसमें मैटर नहीं, बी फिर बैंक को पेमेंट कर देता था, फिर बैंक को इसको वापस थोड़ी ना करता है पेमेंट, क्योंकि बैंक को पेमेंट फिर अपने पास रख लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ए ने वो बिल बैंक को दे दिए,
कि टाइम आने पर तुम हमारे बिहाफ पर कलेक्ट कर लेना, ठीक है। जब उसने वो बिल दिए तो उसके बदले में पैसे नहीं लिए, पैसे उसको टाइम आने पर ही मिलेंगे, यहाँ पर ये डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो एक ही बुक्स में क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री सेल परचेज की होती है, उसको हम नहीं कर रहे। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो एक ही बुक्स में देखो क्या एंट्री हो जाती है, बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ये एंट्रीज तो ऐसी हैं कि मतलब कॉमन है, हर एक क्वेश्चन में आनी ही आनी है। बी की बुक्स में क्या एंट्री होती है, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, रिज्यूम कर लेते हैं 10,000 का खाता, ठीक है। ये तो एंट्रीज हो गई, बिल एक्सेप्ट कर दी थी, इसकी मैं डेट लिख देती हूँ, मान लेते हैं ये थी 1 जनवरी 2021 की एंट्री, कब की थी ये, 1 जनवरी 2021। अब बी ए देखो क्या काम करेगा, ए ये जो बिल है, ये जो ऐसे ऐसे पता नहीं इसके पास कितने बिल होते होंगे, ए इस बिल को क्या करेगा, बैंक के पास भेज देगा कलेक्शन करने के लिए। तो सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे, हो सकता है सेम डेट को ही उसने कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया हो, तो ए अपनी बुक्स में देखो क्या एंट्री पास करेगा, ये जो बी आर अकाउंट है ये तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसके पास से चला गया, ये डेबिट क्या करेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, मतलब एक इस अकाउंट का नाम ही क्या है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। यहाँ पर देखो इसने बैंक अकाउंट डेबिट नहीं किया क्योंकि इसे पैसे थोड़ी ना मिले हैं बिल ट्रांसफर करने पर, इसने बस कलेक्शन के लिए बिल भेज दिए बैंक के पास, ठीक है। तो एक अकाउंट, एक इसका नाम ही इन्होंने क्या दे दिया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, क्योंकि बिल इसने दे दिया तो इसलिए इसके पास से बी आर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो एक ही बुक्स में एंट्री हर बार कैसे होती है, जब इसने ये बिल सी को एंडोर्स किया था तो सी को डेबिट कर दिया था, बी आर अकाउंट तो क्रेडिट हो ही जाएगा। जब इसने ये बिल डिस्काउंट कराया था तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था उस टाइम पर क्योंकि इसको पैसे मिल गए थे। तो याद करने की जरूरत नहीं है इनको, लॉजिकली बस इनको समझ लो कंसेप्ट क्या था, जब इसे पैसे मिल गए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया था, जब इसने ये बिल सी को एंडोर्स कर दिया था तो सी का अकाउंट डेबिट हो गया था, इस बार इसने कलेक्शन के लिए भेज दिया तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। अब देखो बी को इस वाली एंट्री से कोई मतलब नहीं होता, ए उस बिल का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है बी को कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करो उस बिल का, ठीक है। तो ए और बी की बुक्स में तो ये हो गया। अब जब टाइम आएगा, मैच्योरिटी डेट आएगी, मान लेते हैं बिल 3 मंथ्स का था तो मैच्योरिटी डेट हो जाएगी हमारी 4 अप्रैल 2021। 4 अप्रैल 2021 को जब बी पेमेंट करेगा तो बिल वैसे तो बैंक के पास है, लेकिन बैंक इस केस में हमारा एजेंट बन गया है, बैंक हमारा क्या बन गया, एक टाइप का एजेंट, बैंक हमारे बिहाफ पर कलेक्शन कर रहा है बी से, तो बैंक क्या करता है वो पैसे हमारे ही अकाउंट में आ जाते हैं जब बी इसको पेमेंट करेगा ना। 4 अप्रैल 2021 को जब बी पेमेंट करेगा तो बी की बुक्स में देखो क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। तो जब बी इसको पेमेंट करेगा तो ये पैसे ए के अकाउंट में ही आ जाएंगे, तो ए की बुक्स में देखो क्या एंट्री होगी। अब ये मत सोचना बिल तो बैंक के पास है तो हमें कुछ नहीं मिल, हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होनी, बैंक सिर्फ हमारे बिहाफ पर कलेक्शन कर रहा है तो पैसे तो वो हमारे ही अकाउंट में आएंगे, तो इसलिए उस दिन हमारे अकाउंट में भी एंट्री होनी ही होनी है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट नहीं किया, वैसे तो इसने कैश पे किया था लेकिन मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट किया। बैंक क्यों डेबिट किया, क्योंकि बैंक हमारे ही अकाउंट को क्रेडिट कर देता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये जो हमारी बुक्स में बिल सेंट फॉर कलेक्शन था, ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये अकाउंट भी तो मुझे क्लोज करना है ना। तो ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या शो कर रहा है कि हमने इतने रुपए के बिल बैंक में भेजे हुए हैं कलेक्शन के लिए, तो जब हम वो पैसे कलेक्ट हो जाएंगे तो ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन की बस इतना कंसेप्ट है, जिस दिन वो बिल सेंड करेगा कलेक्शन के लिए उस दिन ये वाली एंट्री हो जाएगी, जिस दिन वो पेमेंट हमें मिल जाएगी उस दिन हमारे बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो करे तो ये बैंक ने कलेक्ट है लेकिन हमारे अकाउंट में आ गए वो पैसे,
इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये वाला जो फोर्थ केस है, ये कोई बहुत ज्यादा यूज में, मतलब प्रैक्टिकली तो आता ही होगा, खैर जब बहुत सारे किसी के बिल होते होंगे तो वो यही काम करते होंगे, बैंक को ये काम दे देते होंगे कि तुम हमारे बिहाफ पर कलेक्शन करते रहो, लेकिन नॉर्मली इसका क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। हमारे वो तीन केस ही सबसे ज्यादा डिस्कस किए गए, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये जर्नल है, इसलिए इन्होंने, तुम देखोगे हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट पे दो तीन क्वेश्चन है बस, बट बिल सेंड फॉर कलेक्शन का एक ही क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। कोई डाउट इस केस में तो मुझे बता दो, अदरवाइज हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगर यहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 में भी कवर हो जाएगा यही सेम पॉइंट। करें एक बार क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं, एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर हमारा। देखो लिखा हुआ है, मोहन सिंह ड्रॉज अ बिल ऑन जगत फॉर रुपीज 1000 पेबल 2 months आफ्टर डेट। तो मोहन ने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है, जगत के ऊपर, ठीक है। और इस बार बिल कितने का है, 2 months का है, वैसे इसमें डेट तो गिवन नहीं है, तो हम 1, 2, 3 सीक्वेंस ही डालेंगे। लिखा हुआ है, इमिजिएटली आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस मोहन सिंह सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। फिर ड्यू डेट आने पर क्या हुआ है, बैंक गेट्स द पेमेंट, मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज। यहाँ पर बैंक की बुक्स में भी पार्टीज ट्रांजेक्शन, मतलब मैंने यहाँ पर बैंक की बुक्स में एंट्री नहीं की ना, चलो इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। कौन कौन सी पार्टी है, मोहन सिंह, जगत, और हम यहाँ पर बैंक भी लिख देते हैं, बैंक की बुक्स में क्या एंट्री, ठीक है। तीन पार्टी है हमारी। तो पहली ट्रांजेक्शन तो हमारी क्या है कि इसने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था, मोहन सिंह ने जगत के ऊपर, तो क्या एंट्री हो गई थी हमारी, बीआर अकाउंट डेबिट टू जगत, ये एंट्री तो बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में यूज हो रही है। कितने की अमाउंट थी, 1000, ठीक है। इसकी बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, मोहन सिंह डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1000 rupees। अभी बैंक को कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर नो एंट्री। अब ए ने, सॉरी मोहन सिंह ने क्या किया है, बैंक के पास ये बिल सेंड कर दिए है फॉर कलेक्शन, तो मोहन सिंह की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट 1000 rupees। जगत को इससे कोई मतलब नहीं है, तो जगत की बुक्स में नो एंट्री। बैंक की बुक्स में क्या एंट्री होगी, देखो ये जो बीआर है ये बैंक को मिल गए है, तो बैंक अपनी बुक्स में बीआर अकाउंट डेबिट करेगा, जिसके पास बिल आ जाता है वो तो अपनी बुक्स में डेबिट करता है ना, जब ये बिल मैच्योर हो जाता है या किसी को दे दिया जाता है तो बीआर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर बैंक के पास ये बीआर आ गया, तो बीआर अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट किसको करेगा, मोहन सिंह को क्रेडिट करेगा ना, लॉजिकली सोचो। ये एंट्रीज मैंने कोई एंट्रीज, मतलब ये क्या है, लॉजिक से ही तो मेरे माइंड में आती है ना कि हाँ यहाँ पर बैंक है तो बैंक को अब ये बिल मिल गया, तो इसलिए बीआर अकाउंट डेबिट, मोहन सिंह से ये बिल मिला है तो मोहन सिंह को ये क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, क्योंकि बिल एक टाइप से बैंक के पास है, तो सोचो कि मोहन सिंह इसके लिए वो बन गया ना क्रेडिटर कहीं ना कहीं, तो इसलिए 1000 rupees ये मोहन सिंह के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो टाइम आने पर क्या होगा, जब टाइम आएगा पेमेंट का, तो टाइम आने पर क्या होगा, पहले मैं जगत की बुक्स में एंट्री करती हूँ, जगत पेमेंट करेगा, ठीक है। जगत क्या करेगा, पेमेंट करेगा, तो ये एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
1000 रुपीज। इस बार देखो तीनों की बुक्स में एंट्री होगी पेमेंट के टाइम पर, तीनों की बुक्स में क्यों होगी? अब देखो ये जो पेमेंट है ना, ये बैंक ने कलेक्ट की है, बैंक ने रिसीव की है, लेकिन कलेक्ट करके उसने मोहन सिंह के अकाउंट में ही वो पैसे डाल दिए। तो सोचो यहां पर क्या होगा, जब बैंक ये पैसे कलेक्ट करेगा तो बैंक क्या करेगा, ये जो एंट्री इसने की हुई थी ना, इसी एंट्री को रिवर्स कर देगा। ये क्या करेगा, मोहन सिंह को डेबिट करेगा। यहाँ पर ये कैश अकाउंट डेबिट नहीं करेगा बैंक, मोहन सिंह को ही डेबिट कर देगा। क्यों? क्योंकि मोहन सिंह के अकाउंट में वो पैसे चले गए, तो मोहन सिंह के क्रेडिट था ना इसकी बुक्स में, तो सीधा मोहन सिंह के अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो इसलिए बैंक की एंट्रीज इन्होंने इस क्वेश्चन में मांगी है, बट प्लीज कंफ्यूज मत होना, बैंक की नॉर्मली आती नहीं करने के लिए, बट तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बैंक की बुक्स में क्या होने वाला है। यहाँ पर बैंक रिसीव नहीं कर रहा पैसे, मतलब उसने रिसीव तो किए लेकिन अपने पास नहीं रखे बैंक ने, बैंक ने वो पैसे सीधे मोहन सिंह के अकाउंट में डाल दिए, तो इसलिए सीधा उसने क्या किया, मोहन सिंह को डेबिट किया और बीआर अकाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब इसी एंट्री का रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक जो डेबिट होगा वो तो मोहन सिंह की बुक्स में होगा, यहाँ पर होगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे इसके अकाउंट में आ गए तो मोहन सिंह की बुक्स में डेबिट हो जाएगा, और ये जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इन दोनों के पॉइंट से ही सोचना कि मोहन सिंह और जगत की बुक्स में क्या होगा, बैंक को बीच में लाकर कंफ्यूज मत होना प्लीज। ठीक है, पहले मोहन सिंह और इससे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, लास्ट में तुम बैंक की बुक्स में एंट्री कर ले। क्लियर है कंसेप्ट? क्लियर है ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन? हाँ भाई, मानस भी इंसान भी। यस मैम। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने अगर तुम आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हो अपनी बुक में, तो नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल्स रिसीवेबल। तो ये जो चार केसेस हमने डिस्कस किए हैं, ये चारों केसेस इन्होंने इस एक क्वेश्चन में डाल दिए कि अगर ऐसा होगा तब क्या जर्नल एंट्री होगी, ऐसा होगा तब क्या जर्नल एंट्री होगी, हमें चारों केसेस एक ही क्वेश्चन में डाल दिए। उसके बाद अगर तुम नेक्स्ट हेडिंग देखते हो तो डिसऑनर ऑफ बिल लिखा हुआ। डिसऑनर ऑफ बिल मतलब यहाँ पर जैसे ये पेमेंट कर रहा है ना बी, अब ये क्या करेगा, पेमेंट नहीं करेगा। तो ये केस तो खैर हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, मैं ये क्वेश्चन नंबर 11 और डिस्कस करती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि ये चारों केसेस इस क्वेश्चन में एक साथ हैं। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 11 तुम भी ट्राई करो, स्टार्ट करते हैं एक बार, क्योंकि इसमें चारों केसेस कवर है। यहाँ पर तुम्हारे जितना हमने अभी तक इस चैप्टर में किया है वो इस क्वेश्चन के थ्रू पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चार केसेस तुम्हें ऑनर के केस में क्लियर हैं, तभी तुम्हें डिसऑनर वाला कंसेप्ट समझ में आएगा, ये ध्यान रखना। अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज उसको सॉल्व कर लेना, दूर मतलब मुझसे डिस्कस कर लेना, सॉल्व करने के लिए बोल रही हूँ। कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पहले उसको डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में, जब हम डिसऑनर स्टार्ट करेंगे, वरना डिसऑनर की एंट्रीज बहुत कंफ्यूज कर देंगी। ठीक है, अगर तुम्हें ऑनर की एंट्रीज आती होंगी तभी तुम्हें डिसऑनर वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लिखा हुआ है एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, एक्स ड्रॉज ऑन वाई अ बिल फॉर रुपीज 4000। एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया एंड विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई, और वाई ने वो बिल उसको दे दिया। ठीक है, एक्सेप्ट किया, इसने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था और इसने ये बिल एक्सेप्ट करके इसको वापस दे दिया। कितने का था? 4000 का। Why meets the bill on its due date? जब due date आई तो Why ने पेमेंट कर दिया, मतलब ऑनर का कंसेप्ट है, ऑनर वाला। लिखा हुआ है शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स। इन्होंने वैसे एक्स की बुक्स में एंट्री मांगी है, बट हम दोनों की बुक्स में करेंगे, एक्स एंड वाई। वो कह रहा है कि एक्स की बुक्स में क्या एंट्रीज होगी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम जो कॉमन एंट्री होनी है, अब इसको तुम चार क्वेश्चन मान लो या एक ही क्वेश्चन बनाकर कर लो, अब एक ही क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, जो बिल ड्रॉ करने वाली एंट्री थी फर्स्ट एंट्री और बिल एक्सेप्ट करने वाली, वो तो कॉमन हो जाएगी हर एक केस के लिए, क्योंकि वो तो हर एक केस में होनी है। फिर हम क्या करेंगे, ए बी सी डी चार केसेस बनाकर उसको चार पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, जब एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो एक्स की बुक्स में देखो क्या एंट्री होगी, बी आर अकाउंट डेबिट
टू वाइज अकाउंट 4000 रुपीज, इसकी बुक्स में क्या होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कॉमन एंट्री, हर एक केस में जो कॉमन होगी, ये तो हर केस में होनी ही थी। आगे क्या होना है, हर एक केस में हमारी एंट्री चेंज हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट केस में लिखा हुआ है इफ एक्स रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, ड्यू डेट आने तक एक्स के पास ये बिल, क्या है इफ एक्स रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, तब क्या होगा ड्यू डेट आने तक एक्स के पास ही है बिल, तो बताओ ए की एक्स और वाई दोनों की बुक्स में एंट्री बतानी है। वैसे इन्होंने एक्स की बुक्स में सिर्फ इसलिए मांगी है क्योंकि वाई की बुक्स में तो पेमेंट करने की एंट्री सेम ही होती है हर जगह, उसे तो पेमेंट करना है बस, लेकिन हम हर बार कर लेंगे उसको। तो देखो एक्स की बुक्स में क्या एंट्री होगी, जब टाइम आएगा फर्स्ट एंट्री तो ये होनी ही होनी थी, अब सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी एक्स की बुक्स में, जब टाइम आया तो एक्स के पास ही था बिल, वाई ने पेमेंट किया होगा तो एक्स को क्या होगा पेमेंट मिल जाएगा, एक्स के पास में क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू वीआर अकाउंट 4000 रुपीज, और इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिल ए के एक्स के पास ही था ना, तो ये पैसे इसलिए एक्स को ही मिल जाएंगे, जब रिटेन उसने ही किया हुआ था अपने पास ही, तो ये तो हमारा सिंपल वाला फर्स्ट केस था कि जब उसने अपने पास ही रखा हुआ है बिल, तो सिंपल क्या होता है जब वाई पेमेंट करेगा वो एक्स को ही मिल जाएगा। बी वाले केस में देखो क्या होगा, बी वाले केस में क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है इफ एक्स डिस्काउंट द सेम विद हिज बैंक पेइंग 100 फॉर डिस्काउंट। अब देखो उसने क्या किया एक्स ने, ये बिल बैंक से डिस्काउंट करा ली। अब जब तो यहां पर क्या हुआ है इफ एक्स डिस्काउंटेड द बिल, उसने बिल को क्या किया बैंक से डिस्काउंट करा ली। जब एक्स बैंक से डिस्काउंट कराएगा तो क्या होगा उस केस में, यहाँ पर सेकेंड एंट्री क्या होगी, मैं देखो सीक्वेंस उस हिसाब से रख रही हूँ, मतलब फर्स्ट एंट्री तो कॉमन है फर्स्ट केस के लिए, अब क्या होगा ये सेकेंड एंट्री बन गई, अब सेकेंड केस के लिए सेकेंड एंट्री क्या होगी, क्योंकि फर्स्ट तो वही रहेगी ऊपर वाली जो मैंने ग्रीन से कर दी। अब यहाँ पर इस केस में क्या एंट्री बनेगी, जब एक्स बैंक से बिल डिस्काउंट कराएगा तो क्या होगा बोलो, एक्स को पेमेंट मिलेगा क्योंकि बैंक से उसने डिस्काउंट करा लिया, और बैंक ने क्या किया है 100 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए हैं, क्योंकि बैंक को पेमेंट मिलेगी दो महीने बाद, तो बैंक क्या करता है जो थोड़ा बहुत चार्जेस डिडक्ट करने हैं इंटरेस्ट के हिसाब से वो एक्स से ले लेता है। तो एक्स की बुक्स में देखो क्या एंट्री होगी, एक्स को पैसे मिल जाएंगे तो एक्स की बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने रुपए से होगा 3900 से। अब जो ये 100 रुपीज डिस्काउंट चार्जेस हैं, ये एक्स के लिए एक्सपेंस था तो डिस्काउंट चार्जेस यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे। ये एंट्री सबसे ज्यादा आती है, ये वाला क्वेश्चन जो ये वाला केस है ना ये इम्पोर्टेंट केस है यहाँ पर, क्योंकि डिस्काउंट चार्जेस भी हैं। और बी आर अकाउंट क्या हो जाएगा इसकी बुक्स से क्रेडिट हो जाएगा, सेकेंड एंट्री बी की बुक्स में नो एंट्री हो जाएगी। नो एंट्री क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक्स ने बिल को डिस्काउंट कराया है, किसी को एंडोर्स किया है, कलेक्शन के लिए भेजा है, बी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात आती है थर्ड एंट्री की, अब जब पेमेंट वाली डेट आएगी तो पेमेंट के टाइम पर एक्स क्या करेगा, एक्स को तो पैसे मिलेंगे ही नहीं क्योंकि ये पैसे इस बार किसको मिलेंगे बैंक को मिलेंगे, तो एक्स देखो अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, नो एंट्री हो जाएगी एक्स की बुक्स में, और वाई की बुक्स में क्या होगा सिंपल पेमेंट करने की एंट्री जो हमने अभी ऊपर भी की थी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वाई को तो पेमेंट करना है तो इसकी बुक्स में तो पेमेंट की एंट्री हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। समझ में आया, ये था डिस्काउंटिंग वाला केस, जब हम बिल डिस्काउंट करा लेते हैं तो क्या एंट्रीज होती है।
क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हुआ होगा, उसने बिल एंडोर्स किया होगा, एंडोर्स किया होगा किसी थर्ड पार्टी को। लिखा हुआ है इफ एक्स एंडोर्स द सेम टू हिज क्रेडिटर जेड। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। सी पॉइंट इसमें अच्छा बना दिया इन्होंने, थोड़ा सा इसको ट्रिकी कर दिया। एक्स ने क्या किया, वो बिल जेड को एंडोर्स कर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ रुपीज 4080। क्या ये फुल सेटलमेंट का कंसेप्ट हमने पहले भी कहीं पढ़ा है? फुल सेटलमेंट का कंसेप्ट हमने कहीं पढ़ा है पहले भी? ये कह रहा है कि उसने 4000 का बिल था वो एंडोर्स कर दिया और जेड से उसका फुल सेटलमेंट हो गया 4080 रुपीज का। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 4000 का बिल देकर 4000 का बिल देकर 4080 रुपीज की सेटलमेंट कर दी। मतलब समझ रहे हो, 80 रुपीज इसका मतलब क्या हुआ? बोलो भाई। एक्स ने जेड को बिल एंडोर्स किया है, बताओ क्या एंट्री होगी? एक्स की बुक्स में बताओ क्या एंट्री होने वाली है? सेकेंड एंट्री में यहाँ पर फिर से सेकेंड लिख रही हूँ क्योंकि फर्स्ट एंट्री तो वही ऊपर जो कॉमन है। सेकेंड एंट्री एक्स की बुक्स में क्या होगी बोलो? जब एक्स जेड को दे देगा तो जेड इसके बुक्स में डेबिट हो जाएगा, ठीक है? जेड को कितने से डेबिट करेगा? 4080 से, क्योंकि सिर्फ सेटलमेंट किया है 4080 का। टू बी आर अकाउंट बिल था सिर्फ 4000 का, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सोचो अगर Z को ये पेमेंट करता 4080 के बदले में वो 4000 रुपीज देता तो क्या एंट्री होती? Z से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। बस यहाँ पर कैश की जगह क्या आ गया, बिल आ गया, क्योंकि उसने कैश ना देकर उसने उसको क्या कर दिया, बिल एंडोर्स कर दिया। तो तुम एंट्री ऐसे इमेजिन किया करो कि अगर ये इसको पेमेंट करता तब क्या एंट्री होती, तब वहां पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता। अब कैश की जगह उसने सिर्फ बीआर ही तो दिया है, तो ये डिस्काउंट क्या है, ये डिस्काउंट का पॉइंट इन्होंने एडिशनल डाल दिया। ये पॉइंट थोड़ा सा केस इन्होंने अच्छा बना दिया कि 4000 का बिल देकर उसने 4080 का सेटलमेंट कर दिया। इसकी बुक्स में नो एंट्री, मैं यहाँ पर जेड की बुक्स में एंट्री नहीं कर रही, तुम कर लेना इसको अलग से, ठीक है? क्योंकि जेड की बुक्स में क्या होगा, वो बीआर रिसीव कर लेगा तो बीआर अकाउंट डेबिट, और उसके लिए ये डिस्काउंट लॉस हो जाएगा तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और एक्स को वो क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, ठीक है? मैं सिर्फ एक्स और वाई की बुक्स में ही एंट्री कर रही हूँ। अब टाइम आने पर क्या होगा, एक्स पेमेंट करेगा, सॉरी वाई पेमेंट करेगा, इस बार पेमेंट जेड को मिलेगी, तो एक्स ये तो अपनी बुक्स में पेमेंट की एंट्री वही रखता है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000 रुपीज। अब ये पेमेंट इस बार जेड को मिलेगी, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? जेड रिसीव करेगा, जेड क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, ठीक है? तो जेड की बुक्स में प्लीज एंट्री कर लेना, मैंने की नहीं है। फोर्थ केस देखो क्या है, एक्स ने इस बार ये बिल कहां भेजा होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। लिखा हुआ है इफ एक्स सेंड द बिल टू हिज बैंकर्स फॉर कलेक्शन नेक्स्ट डे। If X send the bill for collection, अगर collection के लिए भेजेगा तब क्या entry होगी? अभी हमने किया है discuss, क्या होता था collection के लिए, ये अपनी books में क्या करता था, bill sent for collection account debit to बीआर अकाउंट, बैंक के पास चले गए बिल्स कलेक्शन के लिए।
और इसकी बुक्स में नो एंट्री, ये कहीं भी भेज रहा है इसको कोई मतलब नहीं। टाइम आने पर बस ये तो पेमेंट करेगा, पेमेंट की एंट्री इसकी बुक्स में सेम रहती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 रुपीज, और ये क्या करेगा रिसीव कर लेगा, इसकी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक ने इसके बिहाफ पर कलेक्शन कर लिया, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो ये थे हमारे 4 केसेस, कौन से केस में, जब हमारा बिल ऑनर हो, जब हम बिल ऑनर कर देते हैं मतलब टाइम से पेमेंट कर देते हैं, तो ये 4 केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन से हमारे चारों केसेस एक ही क्वेश्चन में इन्होंने कवर कर लिए, इससे हमारे चारों कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। कोई डाउट है किसी भी कंसेप्ट में तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि डिसऑनर का केस तो हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, वो तो थोड़ा सा लंबा जाएगा वैसे भी टॉपिक। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो, सानवी मानसवी, सानवी कंसेप्ट क्लियर है क्योंकि तुम्हारी क्लास मिस भी हुई थी ना इसलिए। सानवी मानसवी यस मैम क्लियर है। ओके, तो जो क्वेश्चन हमने बीच में जितने भी हमारे स्किप मैंने किए हैं वो सब सॉल्व कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, डिसऑनर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।